केंद्र सरकार ने नकली शहद पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उसे देश को आर्थिक लाभ होगा। चीन व अन्य यूरोपियन देशों से जो नकली सिरप आ रहा था उस पर अब अंकुश लगेगा, ये जानकारी मंडी में सांसद रामस्वरूप शर्मा ने दी। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि चीन से आने वाली नकली सिरप के बारे में लोकसभा में मामला उठाया था तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर पत्र भी लिखा था। सरकार ने लोकसभा में उठाए मुद्दे व पत्र पर गौर किया तथा नकली शहद पर सर्जिकल स्ट्राइक की। उन्होंने कहा कि गत वर्ष फरवरी मास में शहद में मिलावट के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि शहद उत्पादकों की समस्या से पहाड़ के शहद उत्पादक भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि उनके इस दावे का अनुमोदन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भी किया है। इस सेंटर ने भारत के खाद्य संरक्षण तथा मानक प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि देश की 13 नामी कंपनियों के शहद में मिलावट पाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा था कि मधुमक्खी पालक शहद उत्पादन के इस प्राकृतिक एवं आकर्षक व्यवसाय से विमुख हो रहे हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां शहद उत्पादन नहीं होता है। मधुपालक किसानों को शहद का सही मूल्य मिले और जो शहद में भारी मिलावट हो रही है, चाइना से आया सिर्फ उसमें डाला जा रहा है, इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे मैंने आग्रह किया था, उनसे प्रार्थना की थी कि आपने 500 करोड़ की आर्थिक व्यवस्था मधु मक्खी पालकों के उत्थान के लिए की थी, लेकिन उनको शहद का सही मूल्य नहीं मिल पाता, दूसरा उसमें भारी मिलावट की जा रही है। और ये विषय मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया था। आज मैं हमारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आज उस पर कार्रवाई हुई है, आज नामी बेनामी कंपनियां के सैंपल फेल हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि मधुमक्खी पालकों से पूरा न्याय होगा। और ये जो भारी मिलावट की जा रही है, आज कोरोना महामारी के दिनों में लोग भारी मात्रा में शहद का उपयोग कर रहे हैं, काढ़े में शहद का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो मिलावट होगा तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ा। इसलिए मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इसमें विलंब न किया जाए और जल्दी से जल्दी इस प्रकार बैठे।